अरे साथियों, राम राम सभी को। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में उससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, तो एचएसएससी का तो फेवरेट टॉपिक है, रेलवे के अंदर, एमटीएस के अंदर, एसएससी के अंदर भी वहां से क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी इसको, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। एचएसएससी यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछती है। एचएसएससी ने अब तक जितने भी एग्जाम लिए हैं इस टॉपिक से एक क्वेश्चन प्रत्येक बार पूछा है, इसलिए आने वाले पेपर की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पक्का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं, और हम किस प्रकार से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, हम इस टॉपिक को उस प्रकार से पढ़ने जा रहे हैं कि हमें ये टॉपिक समझ में आ जाए, और जब चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो उनको बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम केवल रट्टा मारते हैं तभी उन चीज़ों को याद करने की आवश्यकता होती है। एक बार समझ लिया तो पेपर चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे पेपर 1 साल बाद हो, वो चीज़ें हमारे जेहन के अंदर, दिमाग के अंदर रहेंगी। तो हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक में देखेंगे कि भूमिका कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी भूमिका क्या रहेगी। भूमिका के बाद हम इस टॉपिक से पढ़ने वाले हैं कि उत्पत्ति, और उत्पत्ति के बाद हम पढ़ने वाले हैं कालक्रम, और कालक्रम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसके महत्वपूर्ण स्थल, और जो स्थल मिले हैं उन स्थलों की विशेषता क्या है। उसके बाद इसकी आर्थिक, सामाजिक और पतन के जो कारण रहे हैं वो सारे हम एक एक करके इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक के संबंधित करीब करीब 3 से 4 वीडियो आएंगी, तो हम पहली वीडियो जो आज बना रहे हैं उस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करते हैं किसकी भूमिका क्या रही थी। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से भारत के इतिहास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, इसकी खोज से भारत के, भारतीय इतिहास के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा था। और क्या प्रभाव पड़ा था, भारत का जो इतिहास है, भारतीय इतिहास, उसकी शुरुआत मानी जाती है 1500 BC से। तो 1500 BC से जो वैदिक काल है, वैदिक काल की शुरुआत है, और भारतीय इतिहास को 1500 BC से ही पढ़ा जाता था। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, खोज हो चुकी थी, तो भारत का इतिहास जो है वो लगभग 1000 BC पीछे चला गया, यानी 1000 साल पीछे चला गया। अब भारत के इतिहास की जो शुरुआत होती है वो लगभग 2500 BC के आसपास से होती है, 2500 BC के आसपास से होती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय इतिहास के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, इसलिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात, हम जिस सभ्यता को पढ़ने जा रहे हैं, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, इस सभ्यता में हम ये देखेंगे कि ये पश्चिमोत्तर भारत की सभ्यता है, ये पश्चिमोत्तर भारत की सभ्यता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हम जिस सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं वो सभ्यता है किस प्रकार की। तो सिंधु घाटी सभ्यता वो पश्चिमोत्तर भारत की सभ्यता है। एक बार हम इसकी भूमिका के ऊपर प्रकाश डालते हैं, तो मैं एक रफली सा मैप बना रहा हूँ, भारत का मैप है। तो रफली भारत का जो मैप है वो इस प्रकार से ये प्रायद्वीपीय भारत शुरू हो गया, और इस प्रायद्वीपीय भारत में हम जिस प्रकार से देखने वाले हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत के अंदर से जिस प्रकार ये हमने प्रायद्वीपीय भारत बना दिया, और इस प्रायद्वीपीय भारत में ये हमारा पूर्वोत्तर के राज्य आ गए, और इन पूर्वोत्तर के राज्यों में से ये हमने धीरे धीरे करके भारत के मैप को बना दिया है। तो भारत का जो मैप है, इस मैप के अंदर हम देखते हैं सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी इसका सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था। तो सबसे उत्तरी स्थल था जम्मू कश्मीर में मांडा। हम इन स्थलों को एक बार विस्तार से पढ़ेंगे, आगे एक बार मोटा मोटा देख लें। इसका सबसे पूर्वी स्थल था
उत्तर प्रदेश के अंदर है आलमगीरपुर जो मेरठ जिले में है, सबसे पश्चिमी जो है वो है, सॉरी सबसे दक्षिणी जो है वो दायमाबाद है महाराष्ट्र के अंदर, और सबसे पश्चिमी जो है वो बलूचिस्तान के अंदर सूत का गेंडोर है जो पाकिस्तान के अंदर है। तो इस प्रकार से ये स्थल है। अब इन स्थलों को अगर मिला दिया जाए इस प्रकार से, तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार दिखाई दे रही है। तो लगभग ये आकृति त्रिभुज के आकार की दिखाई दे रही है, और सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो इसी प्रकार से यहां पर निवास करती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता यहीं पनपी थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी ये उस समय की अपनी समकालीन कौन कौन सी सभ्यताओं के समकालीन मानी जाती है, तो हम एक बार उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जिस प्रकार ये आप यहां पर देखते हैं वर्ल्ड के मैप में, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और इस अफ्रीका महाद्वीप में आप जैसे यहां से इस प्रकार से देख पा रहे हैं, ये वर्ल्ड का इस प्रकार से मैप है, और यहां पर एक सभ्यता पनपी थी। उस सभ्यता को कहा जाता था मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस मेसोपोटामिया की सभ्यता का एक अन्य नाम भी था, क्या नाम था? सुमेरियन सभ्यता। मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता ये एक ही सभ्यता थी। मेसोपोटामिया जो आज का जो इराक है उस इराक का प्राचीन में नाम होता था मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया जहां वर्तमान में इराक है वहां की सभ्यता थी। एक अफ्रीका महाद्वीप के अंदर इस प्रकार से यहां एक सभ्यता थी। यहां नील नदी बहती है अफ्रीका महाद्वीप में, और नील नदी के तट के सहारे जो सभ्यता पनपी थी उसी सभ्यता को कहा गया था नील सभ्यता। ये नील जो सभ्यता थी नील नदी के तट पर थी, और जो मिस्र देश है, इजिप्ट है, उस देश के अंदर ये पनपी थी, इसलिए इसे मिस्र की सभ्यता भी कहा जाता है। नील की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। तो हम सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी इसकी समकालीन एक तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और एक नील नदी की सभ्यता थी। तो ये तीनों सभ्यता समकालीन सभ्यता थी। तीनों सभ्यताओं में सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठ सभ्यता रही थी वो भी सिंधु घाटी की सभ्यता रही थी। किस प्रकार से ये अपने आप में श्रेष्ठ रही थी? क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, और नगरीय सभ्यता थी इसका मतलब यहां डेवलप होना शुरू हो गया था। तो ये सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी अपने समकालीन दोनों सभ्यता से व्यापार करती थी, और जब व्यापार करती थी तो इस भारत की सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पक्ष में इसका भुगतान संतुलन भी रहता था, यानी व्यापार वाणिज्य जो था वो भारत के पक्ष में होता था या सिंधु घाटी सभ्यता के ही पक्ष में रहता था। ये भी एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ये भी कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तो तीनों सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, इसलिए इनके अंदर व्यापार जो था वो इसका व्यापार का आदान प्रदान था वो इनके अंदर चलता था। तो व्यापार वाणिज्य भारत की सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के ही पक्ष में होता था, इसलिए ये सभ्यता क्या थी? श्रेष्ठ सभ्यता थी, अपनी समकालीन सभ्यताओं में से भी क्या थी? श्रेष्ठ सभ्यता थी। ये जो सभ्यता है इसका वर्तमान के अंदर अगर देखा जाए तो किताबों के अंदर तो मिल जाता है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है वो मिल जाता है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लेकिन वर्तमान तक इसमें और भी ज्यादा डाटा जुड़ चुका है। ये लगभग 18 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका लगभग आज के दिन इसका उत्खनन इतनी क्षेत्रफल पर हो चुका है। जो ये सभ्यता थी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर को घेरे हुए थी, इस सभ्यता के अंदर भी अगर देख पता चले तो मेसोपोटामिया की सभ्यता प्लस मिस्र की सभ्यता, अगर इन दोनों सभ्यताओं को मिला दिया जाए तो भारत की जो सभ्यता थी सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी ये सिंधु घाटी की सभ्यता इन दोनों से कितनी गुना बड़ी थी? 12 गुना बड़ी थी। यानी दोनों सभ्यताओं को मिला दिया जाए और सिंधु घाटी सभ्यता के बराबर रखेंगे तो ये वाले को अगर 12 से गुना करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता इस बर्म पाएगी।
अकेली अगर नील की सभ्यता मिस्र की सभ्यता को करें तो मिस्र की सभ्यता का 20 गुना की बात करें तो 20 गुना सभ्यता थी वो कौन सी थी, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये तो हमने केवल जाना था कि इसकी भूमिका क्या थी, कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन अन्य सभ्यता भी कौन सी थी, और अन्य सभ्यता होते हुए भी सिंधु घाटी सभ्यता ही सबसे मतलब श्रेष्ठ सभ्यता क्यों मानी गई थी, तो इसीलिए मानी गई थी व्यापार वाणिज्य जो था वो भी भुगतान संतुलन जो था सिंधु घाटी सभ्यता के पक्ष में रहा था। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट जिसको नहीं मिल पाया तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसके अलग अलग अन्य नाम क्या हैं। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी इस सभ्यता के अलग अलग जो नाम पड़े थे, एक तो इसका नाम था हड़प्पा सभ्यता, इसी सभ्यता को कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता। इसी सभ्यता का एक और नाम भी था सिंधु घाटी सभ्यता, और इसी सभ्यता का एक तीसरा नाम था क्या था, सरस्वती सभ्यता। सरस्वती सभ्यता, इसी सभ्यता का एक अन्य नाम भी मिलता है प्रथम नगरीय क्रांति। तो प्रथम नगरीय क्रांति, प्रथम नगरीय क्रांति, क्रांति, इसका एक अन्य नाम भी मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के टोटल 5 नाम थे और उन 5 नामों में से 5वां नाम था वो था कांस्य युगीन सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के 5 नाम थे, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता और प्रथम नगरीय क्रांति, और अंतिम नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। एक ही सभ्यता के 5 अलग अलग नाम क्यों पड़े थे इसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। 1826 में सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले की तरफ ध्यान आकर्षित किया था, यानी चार्ल्स मेसन ने 1826 में यह कहा था कि एक टीला दिखाई दे रहा है और उस टीले को अगर खोदा जाएगा तो वहां से कुछ ना कुछ अवशेष जरूर मिलेंगे। तो चार्ल्स मेसन ने अपने पुरातत्व विभाग के उस समय जो अध्यक्ष होते थे उनको ये बात बताई, लेकिन इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, यानी उस टीले के ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। इसने ध्यान देने की, ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की थी लेकिन उसके ऊपर किसी को ध्यान नहीं दिया गया था। उसके बाद 1853 से 56 का जो काल था, आप सब जानते हैं कि 1848 से 1856 में भारत का जो गवर्नर जनरल रहा था उसका नाम था लाल डलहौजी, और लाल डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। भारत में पहली बार जो रेल चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को चली थी, मुंबई से ठाणे लगभग 34 किलोमीटर के आसपास वो रेल चली थी। तो 1853-54 के अंदर पाकिस्तान के अंदर 2 शहर हैं, एक शहर का नाम है लाहौर और पाकिस्तान का एक बंदरगाह के समीप शहर है जिसका नाम है कराची, यानी अरब सागर के समीप है कराची। तो इस कराची के अंदर और लाहौर इन दोनों के बीच रेलवे लाइन बिछानी शुरू कर दी थी, रेलवे लाइन बिछानी शुरू कर दी थी। और उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग का जो भी अध्यक्ष होता था, महानिदेशक होता था, उसका नाम था कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो कनिंघम जो था ये भारतीय पुरातत्व विभाग का उस समय अध्यक्ष था, और इसी की देखरेख के अंदर 2 भाई थे जिसमें एक का नाम था जॉन बरंटन और एक का नाम था विलियम बरंटन। ये 2 भाई थे, इन कनिंघम के नेतृत्व के अंदर 2 भाइयों ने, जॉन बरंटन और विलियम बरंटन, यानी बरंटन बंधुओं ने क्या किया था, कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए क्या किया। आप सब एक बात से तो वाकिफ हैं, अगर रेलवे लाइन किसी धरातल के किसी भाग पर बिछाई जाएगी, अगर कोई गड्ढा है तो मिट्टी डालकर उस गड्ढे को भर दिया जाएगा, अगर कोई टीला है तो टीले को थोड़ा काटकर समतल कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से जब कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो
चार्ल्स मेसन ने जिस टीले की तरफ ध्यान आकर्षित किया था, वही टीला इस रेलवे लाइन के बीच में कहीं पर आ गया। और अगर वो टीला बीच में कहीं पर आ गया तो टीले को काटना शुरू कर दिया, और जब टीले को काटना शुरू कर दिया तो इस टीले से ईंट निकलना शुरू होगी। और जैसे जैसे ईंट निकलती गई, जॉन बर्नटन और विलियम बर्नटन ने दोनों ने क्या किया, इस रेलवे लाइन के नीचे उन ईंटों को डालना शुरू कर दिया। यानी ईंटें निकलती गई, रेलवे लाइन के नीचे बिछाते चले, लेकिन किसी ने इसके ऊपर आगे ध्यान आकर्षित नहीं किया कि ईंटें निकल रही हैं, आखिर यहाँ कोई सभ्यता भी हो सकती है, यहाँ किसी के अवशेष भी दफन हो सकते हैं, एक बार देख लिया जाए। लेकिन इतना नहीं किया, ईंटें निकलती गई और रेलवे लाइन के नीचे बिछा दी गई। उसके बाद 1921 के अंदर भारतीय पुरातत्व एवं जो सर्वेक्षण विभाग था, जॉन मार्शल इसके महानिदेशक बने थे, डायरेक्टर जनरल जो बने थे, डीजी जो बने थे, जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का क्या बना था, महानिदेशक बना था। और इन्हीं की अगुवाई के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था दयाराम साहनी। इस दयाराम साहनी ने, यानी जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी एक व्यक्ति था, इस व्यक्ति ने सर्वप्रथम एक टीले को खोजा, और जिस सथल को खोजा था उसी टीले और सथल को नाम दिया गया हड़प्पा। और जो टीला जो स्थल खोजा गया था वो इस सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल था, और उस पहले स्थल को नाम दे दिया गया हड़प्पा। इसी कारण पूरी सभ्यता का नाम पड़ा था हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा तो इसका नाम इसलिए पड़ा था, आपने इस कहानी को जान लिया है। फिर इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार पड़ा था, तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता इस प्रकार पड़ गया था कि उस समय अधिकांश, यानी उस समय अधिकांश स्थल जो थे वो सिंधु नदी के तट के आसपास ही खोजे गए थे। तो उस समय अधिकांश जितने भी स्थल खोजे गए थे उसमें अधिकांश कहाँ थे, सिंधु नदी के तट पर थे। इस कारण पूरी सभ्यता को नाम दे दिया गया था सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस सभ्यता का सरस्वती सभ्यता नाम किस प्रकार पड़ा था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, तो इस सभ्यता का सरस्वती सभ्यता नाम किस प्रकार पड़ा था। एक बार अगर कोई इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहता तो ले सकता है, फिर मैं बोर्ड को रफ कर रहा हूं। तो एक ही सभ्यता के पांच नाम होने के पीछे कोई तो कारण रहे होंगे। हमने दो बातें तो जान ली कि इसका नाम हड़प्पा किस प्रकार पड़ा, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार पड़ा, और इसी सभ्यता का सरस्वती सभ्यता नाम किस प्रकार पड़ा था। तो तिब्बत के अंदर एक मानसरोवर झील है, यहां से एक नदी निकल के आती है और भारत से होते हुए पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है, जिस नदी का नाम है सिंधु नदी। और भारत के अंदर उत्तराखंड में गंगोत्री हिमानी है, उसी गंगोत्री हिमानी से एक नदी निकलती है और ये बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, और उस नदी का नाम है गंगा नदी। तो गंगा नदी और सिंधु नदी, इन दोनों नदियों के बीच में कहीं पर एक नदी बहती थी और उस नदी का नाम था सरस्वती नदी। यानी सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच के अंदर एक नदी बहती थी जिस नदी का नाम था सरस्वती नदी। जो ये सरस्वती नदी थी, अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1400 से ज्यादा और 1500 तक लगभग 1400 से ज्यादा और 1500 के बीच में स्थल खोजे जा चुके हैं। इन 1400 से लेकर 1500 के बीच में जितने भी स्थल खोजे गए हैं, इसमें अधिकांश स्थलों में से कितने, 1100 स्थल। यानी टोटल अगर बात करें तो 1400 से ज्यादा स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, और उन 1400 में से 1100 के आसपास स्थल जो हैं वो सरस्वती नदी के किनारे ही मिले हैं। इस कारण इस पूरी सभ्यता को नाम दे दिया गया था सरस्वती सभ्यता। तो एक सभ्यता के तीन नाम हमने देख लिए। आगे हम जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो वैदिक काल में पढ़ेंगे तो सरस्वती सभ्यता है, वर्तमान में ये लुप्त मानी जाती है। राजस्थान में एक जगह पड़ती है विंसन मैसिफ, उसमें ये जाकर लुप्त हो जाती है। वैदिक काल पढ़ेंगे तब इसके ऊपर थोड़ा सा और ज्यादा एक बार जान लेंगे। इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति नाम क्यों दिया गया था,
क्यों दिया गया था, इसके पीछे कारण क्या था, पहले तो ये जान ले क्रांति का आखिर मतलब क्या होता है। क्रांति, क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्तन। क्रांति का मतलब होता है प्रथम, मतलब परिवर्तन। और इसे प्रथम नगरीय क्रांति नाम क्यों दिया था, इसे प्रथम नगरीय क्रांति नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि बिना प्लान के, बिना प्लान के, यानी बिना प्लान के, बिना योजना के अगर किसी प्रकार से कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसी को नाम दिया जाता है क्रांति। और आप सब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ही मानव पहले तो क्या रहता था, जंगलों के अंदर रहता था, गुफाओं के अंदर रहता था। फिर मनुष्य ने धीरे धीरे पत्थरों को काटकर उनसे घर बनाना सीख, पेड़ों को काटकर उनकी टहनियों को काटकर और उनसे एक झोपड़ी नुमा संरचना बना दी, उसमें मनुष्य रहने लगा था। और सिंधु घाटी सभ्यता में आने के बाद मनुष्य ने अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करना सीख लिया था। उसने मिट्टी के घरों के स्थान पर क्या कर लिया था, पक्की ईंटों से बने घर बना लिए थे। तो पक्की ईंट जो है इनसे घरों का निर्माण करना शुरू कर दिया था और गलियों के अंदर से ईंटें बिछाने शुरू कर दी थी। इस प्रकार से पहली बार ईंट जो है, ईंटों से बने घर हैं, मकान हैं और गली हैं, वो इसी सिंधु घाटी सभ्यता में मिली हैं। और प्रथम नगर जो मिला था वो इसी सिंधु घाटी सभ्यता का था, इसलिए इस पूरी सभ्यता को नाम दे दिया गया प्रथम नगरीय क्रांति। इसी सभ्यता का एक अन्य नाम मिलता है कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि मनुष्य शुरुआत के अंदर तो अपना जो पेट भोजन, पेट भरने के लिए भोजन की व्यवस्था जो करता था वो पत्थरों को तोड़कर उनसे हथियार बनाता था और उन्हीं के ऊपर, उन्हीं को पशु पक्षियों के ऊपर फेंक देता था जिससे उनका आहार मिल जाता था उनको। धीरे धीरे करके मनुष्य ने क्या किया कि तांबे धातु का प्रयोग करना शुरू कर दिया। मानव ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया था, किसमें किया था, अपने औजारों के रूप में। और जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आई, सिंधु घाटी सभ्यता में मनुष्य ने सबसे ज्यादा कांसा का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, यानी बर्तन भी कांसे के बनाने शुरू कर दिए थे, हथियारों में भी कांसा का प्रयोग करने लगा था और अन्य लगभग बहुत सारी चीजों के अंदर वो कांसे का प्रयोग करना सीख गया था। तो इस कारण इस पूरी सभ्यता को नाम दे दिया गया था कांस्ययुगीन सभ्यता। और कांसा किस किस का मिश्रण है, एक बार इस चीज का उत्तर बता दिया। तो कांसा जो है ये मिश्रण किस किस का है, तो कांसा तांबा और टीन जो है, तांबा टीन इन दोनों का मिश्रण जो होता है वो कांसा होता है। इसी कारण इसको नाम क्या दिया गया था, कांस्ययुगीन सभ्यता इसको नाम दिया गया था। तो एक ही सभ्यता के पांच नाम थे, स्क्रीनशॉट जिसने लेना जल्दी से ले सकते हैं, फिर हम इसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, HSSC ने इसके बारे में एक बार क्वेश्चन पूछ भी लिया इसकी उत्पत्ति से संदर्भ में। आप प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर एक बार चेक करके देख लेना कि इस उत्पत्ति के संदर्भ में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, मैं उस क्वेश्चन को भी आपको बताऊंगा। सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसकी उत्पत्ति जो है, इसकी उत्पत्ति में एक तो विदेशी मत है और एक देशी मत है। विदेशी और देशी दोनों मत मिलते हैं, तो विदेशी मत कौन से हैं, किस किस ने विदेशी मत का समर्थन किया था। तो उत्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम तो मिलते हैं, एक है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरी सभ्यता क्या है, ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता। सभ्यता और जो तीसरी सभ्यता है इसे कहा गया था सोची संस्कृति जो है इसका स्वरूप कहा गया। तो इन तीन सभ्यताओं में विदेशी मत जो है वो विदेशी मत माना गया था मेसोपोटामिया की सभ्यता को, और जो बलूचिस्तानी और सोची संस्कृति है इसे माना गया देसी मत। तो ये देसी मत थे और इसको माना गया विदेशी, इसमें ये विदेशी मत थे। तो विदेशी मत जो है इसके समर्थन कौन कौन रहे थे, तो विदेशी मत का जो समर्थन था जॉन मार्शल क्रेमर
डीडी कौसाम्बी, एचडी संकालिया, एचडी संकालिया, ये सभी जो इतिहासकार रहे हैं इन्होंने विश्व सभ्यता को विदेशी मत के आधार पर इनको देखा गया था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी इसके विदेशी मत के समर्थन कौन कौन रहे थे, जॉन मार्शल रहा था, क्रेमर रहा था, डीडी कौसाम्बी रहा था, एचडी संकालिया। एचडी संकालिया ने हालांकि यहां तक कह दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता से एक इस प्रकार की आकृति मिली है, चबूतरे सिक्के आकार की आकृति मिली है जिसे चबूतरा कहा गया था। और एच डी संकालिया के अनुसार ही यही मेसोपोटामिया की सभ्यता में सेम इस प्रकार की एक आकृति देखने को मिली थी, उस आकृति को जिबुरत कहा गया था, जिबुरत कहा गया था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में चबूतरे की जो आकृति मिली है सेम आकृति मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिली है जिसे जिबुरत कहा गया था, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिली है। ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता के समर्थक जो रहे थे रोमिला थापर, तो आप एक को याद रख लेना रोमिला थापर। और सोची संस्कृति जो थी इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी राजस्थान के अंदर इस सभ्यता की संस्कृति की खोज की गई थी। तो ये इसके देसी और विदेशी मत रहे थे। तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद देखेंगे हम इसका कालक्रम देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है इसको लेकर अनेक विद्वानों के अंदर भी मतभेद रहा था, और इसका कारण भी ये रहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इसका कालक्रम का सही तरीके से पता नहीं चल पाया था। तो हम एक बार इसका कालक्रम के ऊपर चर्चा करते हैं, कालक्रम। और कालक्रम के बारे में एक बात तो ये सबके सामने निकल के आ रही है कि लिपि जो मिली है उस लिपि में से अधिकांश लिपि पढ़ी नहीं गई है। तो एक तो ये हो गया कि लिपि का पढ़ाने जाना, और दूसरा कारण क्या गया था, लंबवत उत्खनन में समस्या, लंबवत उत्खनन में समस्या है ये इसका कारण था। तो लिपि का पढ़ाना जाना ये तो एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि अधिकांश लिपि जो मिली है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, और जब पढ़ा नहीं गया तो वो समस्या हमारे सामने कालक्रम ठीक से निर्धारित नहीं हो पा रहा। दूसरी समस्या क्या आ गई थी कि लंबवत उत्खनन में समस्या आ गई। मान के चले किस प्रकार से ये धरातल है, धरती है, तो ये जो धरती है इसमें यहां से उत्खनन खारिये शुरू कर दिया, तो इस क्षेत्र के अंदर उत्खनन खारिये होता गया नीचे बढ़ते गए, यहां से कोई नगर बसा हुआ था उस समय का, उस नगर के यहां से अवशेष मिलने शुरू कर दिए, तो इसको यहां तक धरातल के अंदर खोद कर इसको क्या कर दिया, खुदाई के द्वारा इस नगर को तो यहां से देख लिया गया, यानी जो भी नगरीय सभ्यता थी उसके अवशेष यहां से तो मिलने शुरू हो गए। धीरे धीरे खुदाई को गहराई तक जाते गए और अचानक से इस सभ्यता के जो नगर मिले थे इनके बाद यहां से पानी निकलना शुरू हो गया, यानी पानी मिलना शुरू हो गया धरातल के अंदर से, पानी मिलना शुरू हो गया तो पानी के अंदर अब तो खुदाई रुक गई, वहां से पानी के नीचे तो जा नहीं सकते। तो दूसरा क्या हुआ, जब ये सभ्यता को खोदते खोदते यहां से नगर मिला था तो क्यों ना इसको इस प्रकार से आगे बढ़ाकर यहां से और आगे खोज लिया जाए। तो यहां पर अचानक से क्या मिला कि यहां पर कोई वर्तमान नगर है, वर्तमान कोई नगर या वर्तमान के शहर या वर्तमान के अंदर कोई गांव मिल गया। अब देखो अगर यहां से हमें साक्ष्य तो मिल गए किसी नगरीय सभ्यता के, लेकिन इसको अगर हम इस प्रकार से खुदाई करेंगे तो कोई गांव बसा हुआ है, कोई शहर बसा हुआ, कोई नगर बसा हुआ है। अब इस मृत सभ्यता के लिए हम इस जीवित सभ्यता के तो गांव को, शहर को, तो नगर को तो उजाड़ नहीं सकते, इसलिए केवल और केवल इसी भाग में सभ्यता के अवशेष खोजे जा चुके हैं, जिसके लिए उसको लंबवत होने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि गांव आगे थे, शहर आगे, नगर आगे, इसलिए उसको वहां से खोजा नहीं गया। और अगर गहराई तक खुदाई की जाए तो नीचे पानी निकला है, अब पानी से नीचे तो जाया नहीं जाएगा, तो इसलिए दो समस्या आ गई थी। इसलिए अनेक विद्वानों ने इसके अलग अलग आधार के ऊपर क्या माने थे कि इन विद्वानों के अनुसार इसका कालक्रम अलग अलग है। जैसे जॉन मार्शल के अनुसार इसका कालक्रम कुछ निकला था, अनेक विद्वानों के द्वारा इसका कालक्रम कुछ निकला था। तो सर्वमान्य जो काल था ये रेडियो कार्बन
जो विधि है रेडियोकार्बन विधि, जिसे C14 डेटिंग कहा जाता है, इसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य काल है, अनेक विद्वानों ने तो अलग अलग काल मत दिए थे और उसके अनुसार वो कालक्रम भी अलग अलग मिला था, लेकिन रेडियोकार्बन विधि के द्वारा इसका कालक्रम मिला था 2350 से 1750 BC जो है इसका काल सही रहा था, ये सर्वमान्य काल है। तो सर्वमान्य काल सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, 2350 से लेकर 1750 BC इसका सर्वमान्य काल है। एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं सथल को क्या क्या थे इसके, यानी हम बात करते हैं विस्तार की। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार के ऊपर बात करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, ये विस्तार तीन देशों में देखने को मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है ये तीन देशों में देखने को मिला है, एक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, यानी तीन ही देशों से इसके विस्तार मिले सिंधु घाटी सभ्यता के। अफगानिस्तान से केवल दो ही स्थल मिले हैं, एक स्थल का नाम है मुंडी गोक और एक स्थल का नाम है सुरतुगुई। तो अफगानिस्तान से केवल दो ही स्थल मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक बार थोड़ा सा और जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इस सिंधु घाटी सभ्यता के स्वतंत्रता से पहले केवल 40 स्थल खोजे गए थे। स्वतंत्रता से पहले केवल 40 स्थल खोजे गए थे और स्वतंत्रता के बाद वर्तमान तक 2020 तक, वर्तमान तक या स्वतंत्रता के बाद 2020 तक इसके लगभग 1500 के आसपास स्थल खोजे जा चुके हैं। 1400 से 1500 के बीच इसके स्थल खोजे जा चुके हैं। स्वतंत्रता से पहले 40 स्थल और वर्तमान तक इसके 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं, 1500 के आसपास स्थल खोजे जा चुके, जिसमें अफगानिस्तान में केवल दो ही हैं। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर लगभग 475 स्थल मिले हैं, जो पाकिस्तान के अंदर 475 से ज्यादा स्थल मिले हैं, ये केवल पाकिस्तान के तीन प्रांत से मिले हैं। एक प्रांत का नाम है बलूचिस्तान, एक प्रांत का नाम है सिंध प्रांत, एक प्रांत का नाम है पंजाब प्रांत। तो पाकिस्तान में तो केवल तीन ही प्रांतों से इसके अवशेष मिले हैं या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं, और भारत के अंदर से लगभग अगर देखा जाए तो 925 से ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं अकेले भारत से। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये तैयार हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो भारत के अंदर सर्वाधिक विस्तार है। सर्वाधिक स्थल किस देश में है, तो भारत में सर्वाधिक स्थल है। भारत में जो स्थल मिले हैं ये किन किन राज्यों से मिले हैं, तो एक जम्मू कश्मीर से मिले हैं, फिर पंजाब से मिले हैं, हरियाणा से मिले हैं, राजस्थान से मिले हैं, गुजरात से मिले हैं, महाराष्ट्र से मिले हैं, उत्तर प्रदेश से मिले हैं, अधिकांश स्थल इन्हीं राज्यों से मिले हैं। तो भारत के अंदर सर्वाधिक स्थल मिले हैं या जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से भी इसके स्थल देखने को मिले हैं। तो भारत के अधिकांश स्थल इन्हीं राज्यों से मिले हैं। बाकी हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस टॉपिक की लगभग हमारी 3 से 4 वीडियो जरूर आने वाली हैं, तो प्रत्येक वीडियो इंपॉर्टेंट रहेंगी। हरियाणा HSSC पेपर की दृष्टि से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप बार बार जरूर देखें और अपने हाथ से इनको लिखना शुरू कर दें, ताकि थोड़ा बहुत अपने हाथ से लिखेंगे तो लिखी हुई चीजें हम कभी नहीं भूल पाएंगे, और जब भूल नहीं पाएंगे तो पेपर के अंदर हमें रट्टा तुक्का मारने की आवश्यकता नहीं होगी, हम डायरेक्ट उसका सही उत्तर दे देंगे। अब बात करते हैं हम सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, मैं केवल और केवल बात कर रहा हूँ मोटा मोटा विस्तार की, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं
और जब पूरी डिटेल से पढ़ेंगे तो हमें एक एक चीज के बारे में गहनता से अगर पता चलेगा तो किसी भी पेपर के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आ भी गया तो वो क्वेश्चन तो हमारा गलत होगा नहीं। तो ये है, उत्तरी स्थल है मांडा और सबसे दक्षिणी स्थल है दाइमाबाद महाराष्ट्र के अंदर, पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर जो मध्य इसमें उत्तर प्रदेश में है, मैं कह रहा हूं इसकी विस्तार से बाद में भी चर्चा करेंगे अगली वीडियो के अंदर, सबसे पश्चिमी स्थल है सूत का गेंडोर। तो इस आकृतियों को अगर इस प्रकार से मिला दिया जाए तो लगभग लगभग करके ये आकृति जो मिल रही है ये त्रिभुजाकार की आकृति है, त्रिभुजाकार इसकी आकृति है और त्रिभुजाकार आकृति है तो इसका जो क्षेत्रफल है इस पूरी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। आज के दिन की बात करें तो ये क्षेत्रफल और ज्यादा हो चुका है, 18 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक जा चुका है। अगर मैं बात करूं कि ये पश्चिमी स्थल है और ये पूर्वी स्थल है, यानी पश्चिमी स्थल से पूर्वी स्थल इसके बीच की ये दूरी कितनी है, तो इसके बीच की ये दूरी है 1600 किलोमीटर, यानी आलमगीरपुर से और बलूचिस्तान में सूत का गेंडोर है इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है ये लगभग लगभग 1600 किलोमीटर है, ये वाली दूरी है ये 1600 किलोमीटर है। अगर मैं बात करूं उत्तर पर उत्तरी की मांडा से लेकर दाइमाबाद, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से जो दक्षिण है इसकी दूरी लगभग 1400 किलोमीटर है। तो एक नया क्वेश्चन आपके लिए मिल सकता है, हो सकता था अधिकांश को ना भी पता हो और कुछ एक को पता होगा, और क्या कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, जलीय सीमा की लंबाई, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो आप सब देख रहे हैं बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का है इसमें यहां सूत का गेंडोर है, और यहां से आप ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ये वाला जलीय सीमा की लंबाई है, और ये लंबाई लगभग 1300 किलोमीटर के आसपास है। तो ये 1300 किलोमीटर के आसपास है। तो आज हम वीडियो में बस इतना ही पढ़ने वाले हैं, आगे जब हम वीडियो दूसरी लेकर आएंगे तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं और स्थल जो है उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है आप खुद भी देखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछे गए थे, यहाँ जो है इसे कहा जाता है खंबात की खाड़ी और इसे गुजरात में यहां पड़ता है कच्छ की खाड़ी, तो कौन कौन से स्थल ऐसे हैं जो इस कच्छ की खाड़ी में स्थित है, कौन कौन से स्थल ऐसे हैं जो खंबात की खाड़ी में स्थल है, क्योंकि पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल खंबात की खाड़ी में स्थित नहीं है, तो अगर लोकेशन पता होगा तभी हम बता सकते खंबात की खाड़ी में है, क्योंकि कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी गोली गुजरात के अंदर लगती है, गुजरात के तट के सहारे लगती है। तो स्थल का तो हमने रट्टा मार के पढ़ लिया कि गुजरात में है, लेकिन आगे नहीं पढ़ पाए कि ये खंबात की खाड़ी में कि कच्छ की में है, तो कल इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के इतना ही, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।